Most welcome all of you to the Flora Academy. I am GL Batham, your English teacher. Today I have come before you having two confusing sentences. So listen carefully. Grammar में ये जो दो sentences जो हैं बहुत ही confusing है, बच्चों को बहुत ही confuse करते हैं. Even कुछ teacher भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं और guides में भी ये चीज़ clear नहीं की गई है. तो ध्यान दें यहाँ पर कि जैसे कि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है कि ही इज़ गुड इंग्लिश, ही इज़ गुड इंग्लिश, यहाँ पर ब्रैकेट में इन एट और ऑफ दिया हुआ है. तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गाइड में कुछ जगह पर इन और कुछ जगह पर एट लिखा हुआ है और कुछ टीचर इन बताते हैं और कुछ एट बताते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है. इस सेंटेंस में क्लियर नहीं, रियल में आना क्या चाहिए, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ तो स्टूडेंट्स भी क्लियर हो जाएं, क्योंकि गाइड में ये ऐसे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो गलत हैं, वो क्लियर नहीं है यहाँ पर कि वास्तव में ये सेंटेंस जो है इनका है या एट का है. तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ. देखिए यहाँ पर, इफ़ यू आर गुड इन स्पीकिंग और राइटिंग, यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर या इंग्लिश राइटिंग में अच्छे हैं तो आप यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे? एट का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं बताया गया है कि इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर अच्छे हैं या राइटिंग के अंदर अच्छे हैं. तो इसमें सेंटेंस के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर या गाइड में जो भी चेंज होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर इंग्लिश के बाद या तो स्पीकिंग लिखा होना चाहिए या फिर राइटिंग लिखा हुआ आना चाहिए. तो यहाँ दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो स्पीकिंग लिखा हुआ है और ना ही राइटिंग. तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए. अगर यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग में गुड है या राइटिंग में गुड है, इंग्लिश राइटिंग के अंदर गुड है, तो यहाँ पर एड का यूज़ होगा. और उसके बाद अगर आप इन की बात करें हम कि इन कब आएगा यहाँ पर, कि अगर आप इंग्लिश क्लास में अच्छे हैं, यदि आप इंग्लिश क्लास में अच्छे हैं तो आप यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर इन इंग्लिश क्लास, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, तब जाकर ये कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स का और टीचर्स का दूर होगा. अब चलते हैं हम सेकंड सेंटेंस की ओर. सेकंड सेंटेंस में आपका कॉटन इज़ इन इजिप्ट, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, इजिप्ट में कॉटन को अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की, तो यहाँ पर ग्रॉन आएगा. क्या आएगा? ग्रॉन, पैसिव वॉइस. कॉटन इज ग्रॉन इन इजिप्ट, इजिप्ट में कॉटन उगाई जाती है और गाइड में ग्रोइंग दिया हुआ है आंसर, और ये रॉन्ग है. कॉटन इज ग्रोइंग इन इजिप्ट. क्या यहाँ पर ये कहेंगे कि कॉटन जो है इजिप्ट में उग रही है, ऐसा बोलेंगे? अगर ऐसा है तो ऑप्शंस के अंदर ये ग्रोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, तो कौन सा दिया जाए? ऐसा ही सेम थिंग यहाँ पर है, या तो इन दिया जाए अगर आप यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐट दिया जाए, मतलब ऐट ऑफ हो या इन ऑफ हो, दोनों में से एक होना चाहिए. ऐसे ही यहाँ पर या तो फिर आप ग्रोइंग दें या फिर आप ग्रोन दें. अगर यहाँ पर पैसिव वॉइस, जहाँ तक ये सेंटेंस जो आपका है वो करेक्ट है, वो आपका ये पैसिव वॉइस में जाएगा, कॉटन इज़ ग्रोन इन इजिप्ट, तो ये आपका सेंटेंस सही है. तो आपको ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये गाइड वालों को ये चेंज करना चाहिए या फिर यहाँ पर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है. आज के लिए इतना ही है, तो ध्यान दीजिएगा. टेक केयर. थैंक्स.